ईगल पीछे पड़ गई है। ओह माय गॉड। हे गाइस, दिस फैट बैग इलाज हाई कर रही है इंसान। दीप मेरे साथ है, आज ईगल पकड़ के बैठी है। अब इसकी हाइट दिखाना कितनी ज्यादा है ये। हाइट मतलब वेट ऐसे करके बहुत बहुत बड़ा है ये। 1400 साइज है इसका। एंड इस वाली वीडियो में हम इसको उड़ाने भी वाले हैं। उड़ाने के लिए काफी ज्यादा चैलेंज भी आने वाले हैं। ऊपर मैं देख सकता हूँ ईगल्स काफी ज्यादा घूम रही है। अगर मैं ड्रोन उड़ाता हूँ तो ईगल्स पीछे पड़ जाती है। एंड ये पता नहीं मुझे इसका ईगल कैसे रिएक्ट करेगी, इसको फ्रेंडली समझेगी, इस पर अटैक करेगी, वो भी आप वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो दीपाली के पास ये रिमोट है, वहां पे आप ईगल देख सकते हैं। दीपाली अप डाउन करके दिखाओ इसको। एंड देन इसमें स्पोर्ट्स मोड भी मैंने ऑन किया है। अगर मैं ये फ्लिक कर दूंगा स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा ना, आप देख सकते हैं ज्यादा थ्रो आएगी। लेफ्ट टू राइट देखेंगे ज्यादा थ्रो आ रही है। ये कर देंगे नॉर्मल कर देंगे तो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। ये जो ईगल है काफी लाइट वेट है एंड स्लो फ्लायर है। लेकिन एक दिक्कत है, ये मैं पहली बार उड़ा रहा हूँ एंड मैंने अभी भी बनाया, ये ट्रिम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे एरोप्लेन की एक्सपीरियंस बोला जाए तो मैंने एक या दो बार उड़ाया था, जैसे यदु के साथ उड़ाया था। एंड मैं चाहता था इस वाली वीडियो में यदु मेरे साथ आए, लेकिन वो भी अमृतसर गया हुआ था। इसमें कोई भी लैंडिंग गियर नहीं है तो मुझे इसकी जो लैंडिंग होगी वो ध्यान से करनी पड़ेगी। एंड काफी ज्यादा फ्लिमजी भी है ये, तो मे बी ये क्रैश हो जाए। हो सकता है ये पहली वीडियो हो एंड इसकी आखिरी वीडियो भी हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मैं इसको रिपेयर करूंगा, फिर से मैं उड़ाऊंगा एंड फ्यूचर में और भी आप ऐसे कंटेंट देखेंगे जो अलग अलग टाइप के एरोप्लेन भी बनाऊंगा। मैंने एक और प्लान किया हुआ है एरोप्लेन, जो कि मैं प्रॉपर थर्मोकॉल लूंगा घर पे एंड उससे बना के आपको दिखाऊंगा एंड आप खुद भी बना सकते हैं वो चीज़। इसकी तो फिर भी आपको थोड़ी सी किट की जरूरत पड़ती है, पेंटिंग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर टेप की जरूरत पड़ेगी एंड थर्मोकॉल की जरूरत पड़ेगी। नाउ हम क्या करेंगे, स्पीड में जाएंगे ऐसे इसको करके थ्रो करेंगे। एनी मैडम जी, पता नहीं मुझे कोई क्या रीज़न, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग क्यों कर रही है मेरी फिलहाल। एक और काम करना, इसके चैनल पे आप जरूर चेकआउट करना ये वीडियो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। एक और हम कोलैब कर चुके हैं पहले एंड एक सुन, अभी रिलीज मत करियो, थोड़े दिन लेट करियो। पहले मैं पब्लिश कर नहीं। सो गाइस, दिस इज द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। सारे मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ। लेफ्ट राइट चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, प्रोपेलर देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वो भी चल रहा है, सारी चीज़ें टेस्ट हो चुकी है। एंड इसका वेबअप चेक करते हैं हम, बैलेंसिंग कैसी है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बिल्कुल ठीक है। नाउ वी गोना थ्रो इट एंड इसको फ्लाई करते हैं। विंड में देखो उस तरफ क्या है, तो उस तरफ थ्रो करेंगे एंड दीपाली बिहाइंड द कैमरा है एंड उसको ट्रैक भी करेगी। ओ आई थिंक दिस सर्वाइव्ड। हम फिर से इसको करेंगे, कुछ ज़्यादा ही उड़ा गड़बड़ी है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई फ्लू माई एरोप्लेन एंड ये थोड़ा सा क्रैश हो गया। मैं इसके जो पीछे की टेल है वो टूट चुकी है थोड़ी सी, मैं इसको रिपेयर मार चुका हूँ, टेप से मैंने ज्वाइन करा इसको एंड वापस ट्राई करेंगे, देखते हैं उड़ता है कि नहीं। अब थोड़ा मुश्किल होगा इसको और उड़ाना, कोशिश मैं करूँगा हवा में इसको लॉन्च करने की। ये चीज़ें डिफिकल्ट हो रही है मेरे लिए यार, कैमरा के साथ ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार। वापस करते हैं ये, फिर से फ्लाई करेंगे। आई होप कि कुछ गड़बड़ ना हो इस बार, बहुत गंदी वाइब्रेशन आ रही है मोटर में। ओके, प्रोपेलर टूट गया, सॉरी मैंने नोटिस ही नहीं किया प्रोपेलर टूटा हुआ है। दीज आर द प्रोपेलर्स दैट आई हैव एंड इसका प्रोपेलर रिप्लेस करते हैं। ड्यूड, इतना मैंने सोचा इधर इतनी दिक्कत आई है आज। एंड दिक्कत ये भी हो रही है कि मैं अपने आप लॉन्च कर रहा हूँ, अगर कोई और लॉन्च करता तो ज़्यादा हेल्प रहता है मेरे लिए। डन, राइट ही जाए जा रहा है ये मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। चलो जितना उड़ा काफी है उतना, एक लास्ट टाइम इसको फिर लॉन्च करते हैं। इसके बेचारे की पूछ ही बाहर आ गई। लड़की तो नहीं है ना, क्योंकि लड़का इज़ ऑलवेज़ राइट। ये बहुत सही मजाक करती है। ओके, लास्ट टाइम, अगर नहीं उड़ा तो मेरे को फिर काफी ट्रिक्स करने पड़ेंगे इसमें। इसको उड़ाऊंगा मैं स्पोर्ट्स मोड में क्योंकि वो बेटर रहता है। बेटर कंट्रोल है स्पोर्ट्स मोड में। लिफ्ट ऑफ, क्या था ये? लिफ्ट ऑफ, क्या था ये? फिर लिफ्ट मैं पीछे कर रहा हूँ अपना, मैं नीचे जा गया, टूट गया उसकी टेल। ये बाबा टूट रहा है और मुझे क्योंकि नहीं टेल से करा है, इसको फेविकॉल से करना चाहिए, तो मैं फेविकॉल का जोड़ नहीं पता है। मैं पता है क्या बता रहा हूँ, ये मतलब इसकी
हालत देखो, इसने हर जगह टेप लगाई है, मतलब जुगाड़ किया हुआ है यार, वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का काम होता है, यही होता है। अच्छा मैं वो क्लोज ही दिखाता हूँ क्या क्या नुकसान हुआ है। ये जो टेल थी ना एक्चुअल में, ये पहले फर्स्ट क्रैश में टूट गई थी थोड़ी सी, तो मैंने हॉट ग्लू गन यूज़ नहीं करी, मैंने टेप से उसको चिपकाया, तो ये दिक्कत होगी क्योंकि हॉट ग्लू गन इस एरिया में अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता था। फिर रास्ते में क्या हुआ, थोड़ी सी हवाई ये थोड़ा सा ऐसे करके चला, जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ, फ्लैप्स नीचे हो गए, एंड ही नीचे की तरफ ड्राइव मार गया। मैं कितना भी इसको ऊपर कर रहा था नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक चीज़ है कि कंट्रोल ठीक हो पा रहा है ये एरोप्लेन, हो सकता है रिपेयर करने के बाद पूरा प्रॉपर ठीक हो जाए। बाकी हेड की अगर बात करूँगा तो ये भी प्रॉपरली टूट चुका है, या सारी वुडन चीज़ें हैं ये टूट चुकी हैं, ये भी आराम से रिपेयर हो सकती है, हो जाए। रिपेयर करने के बाद फिर मैं वीडियो बताऊंगा। अब अगर मछली को पल लगा दूंगी तो उड़ थोड़ी जाएगी। मछली नहीं है ये, कितनी बार तो बोलूं मैं। इसके फ्रंट व्यू से देखो यार, मतलब इसको विंग्स को हटा दो, अगर तुम इसे वैसे देखोगे फिश लग रही है यार। मैं पता, जो फिश लोग खाते हैं ना उनको फिश ही लगती है। मैं नहीं खाती, मैं नॉन वेज ही नहीं खाती। अच्छा, जिसको चिकन खाते हो चिकन लगता है, हमको चिकन लग रहा है। हम वापस आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एंड बहुत ही ज्यादा हमें गर्मी लग रही थी, एंड हमने क्या डिसाइड किया कि अब इसको रिपेयर करा जाए, एंड सेकेंडरी बाद में वापस वीडियोस की बनाई जाए। आप और मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी है फैट बाइक वैभव। इंस्टाग्राम से याद आया मुझे, मैंने ना इस लड़की का इंस्टाग्राम देखा, ठीक है ना, मतलब हाँ, कि तो नॉर्मली तो है, और क्या उसमें। देखो जब मैं इसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तब मैंने हाँ, नहीं देखा था, ठीक है। फिर जब होता है कि हाँ चलो बंदे को फॉलो हाँ, कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा। तो मैंने फॉलो के लिए देखा, मैंने बंदे का बायो देखा, बायोडाटा में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इंजीनियर लिखा हुआ है, और क्या लिखूंगा, कौन सा इंजीनियर, मैकेनिकल, और क्या मैकेनिकल, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा, उसके नीचे ये बताओ, उसके नीचे क्या लिखा, यूट्यूब पर लिंक डाला, और क्या करा, यूट्यूब यूट्यूबर 300K+ एक लड़की ने मुझसे कहा था कि मतलब तुम वैभव से बोलना कि मतलब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डायरेक्ट मैसेज की एक्सेप्ट कर ले। तो देखो वैभव प्लीज कर लिया करो यार, मतलब लड़कियां मुझे बोल रही है इंस्टाग्राम पे यार। तो मैं करता हूं, मैं सबके करता हूं, मैं एक बंदे की करता हूं। लड़कियां मुझे कमेंट करके बोल रही है यार कि मतलब प्लीज बोल दे। मैं करता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पक्का करता हूं, झूठ नहीं, मैं पक्का करूंगा आपसे। अरे झूठा है, ठीक है। गाइस हुआ ये था, आपने क्रैश देखा था इस चीज का, मैं घर गया, मैं रिपेयर किया, एंड अब मैं ये उड़ाने वाला हूं, ठीक है। लो बिहाइंड द कैमरा दिखाता हूं, पहले तो जीप्स थी, अब राधिका रिकॉर्ड कर रही है मेरे को, थैंक यू, ठीक है। अब इसको उड़ाते हैं, तो वैसे मैं इसको उड़ा चुका हूँ पहले, तो बहुत स्मूथ उड़ा था, आई होप इस बार भी स्मूथ उड़े। ईगल आ चुकी है। अब फिर से हम इसको उड़ाते हैं, देखते हैं कितना अच्छा उड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। तो कितना मस्त उड़ रहा है ये। बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ फाइनली मुझे उड़ाना आ गया इसको, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब इसको लैंड करते हैं। कितनी स्मूथ लैंडिंग हुई है इसमें, मजा आ गया मुझे, फाइनली उड़ाना आ गया है। क्या आपने वो मूवी देखी उरी, एंड उसमें एक ड्रोन था, गरुड़ ड्रोन, बिल्कुल वही ड्रोन मैंने बनाया हुआ है, एंड आज इस वाली वीडियो में हम इसको उड़ाने भी वाले हैं। मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्च करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे उड़ता है। इसको अगर हमने ऑन एंड फ्लाइट, ईगल पीछे बढ़ गई है। थोड़ी हार्श लैंडिंग हुई है बिकॉज ईगल पीछे पड़ गई थी, वो देखो पीछे में भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस फैट बाइक वैभव साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग दिस।